हे गाइस, दिस इज़ निखिल एंड यू गाइस आर वॉचिंग AS टैरोट। आज हम करने वाले हैं टॉरस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। जिनके बारे में वृषभ राशि वाले सोच रहे हैं, वो वृषभ राशि वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए चलिए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों कार्ड मेरी तरफ से तो पॉजिटिव आए हैं। मुझे इन चारों कार्ड से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। पहला कार्ड देखते हैं, टू ऑफ स्पॉट्स, यानी कि ये दर्शाता है जो आपका पर्सन है वो भी आपको मतलब चाहता है अंदर से, और वो चाहता है कि वो आपको इम्प्रेस कर ले, या फिर मतलब वो कोशिश भी कर रहा है इस चीज़ की। वो आपको मतलब शो नहीं कर रहा है, बट वो इम्प्रेस करना चाह रहा है। और आइए दूसरा कार्ड देखते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि इस कार्ड से जैसे कि हमें दिख रहा है थोड़ी डिफ़िकल्टी है आप दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों के मिलन में, या फिर हम कहेंगे मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आप दोनों को फेस करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप लोग मतलब एक होना चाह रहे हैं, आपको मिलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। वो कहीं से भी हो सकती है, आपकी फैमिली से हो सकती है, या फिर मतलब कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ कप्स, यानी कि इसमें मतलब कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही इन सब डिफ़िकल्टी के बावजूद आप लोग मतलब इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, उसके बाद मतलब ये सब निकल जाएगा। ये जो बैड टाइम है, बुरा समय है, ये निकल जाएगा आराम से, और इसके बाद आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। आप जैसी लाइफ चाह रहे हैं वैसी लाइफ जिएंगे आप लोग। फोर्थ कार्ड देखते हैं, फोर्थ है थ्री ऑफ पेंटकल्स, यानी कि मुझे इससे थर्ड पर्सन की वाइब्स आ रही हैं। यानी कि मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है, या तो कोई भी हो सकता है, मे बी आपकी तरफ से हो सकता है जो मतलब चाहता है आप लोग ना मिले, उनकी तरफ से भी हो सकता है जो मतलब थोड़ी अड़चने डाल रहा है या डाल सकता है। उनका एक्स हो सकता है, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से कोई हो, आपकी फैमिली में से कोई हो, या मे भी हो सकता है पास्ट में कोई थर्ड पर्सन हो, उसके वो थोड़ी अड़चन डाल रहा हो। तो द टार, मुझे इस कार्ड से थोड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है। मतलब कि नेगेटिव इन द सेंस, मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, या तो आपका पर्सन अंदर से थोड़ा बेचैन है अपने पास्ट को लेकर, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, सोच रहा है अपने पास्ट के बारे में, जो चीज़ें उसके साथ, जो मतलब बुरा उसके साथ हो चुका है
उसमें थोड़ा सा घिरा हुआ है उस सब से, और मतलब थोड़ा पास्ट पे अपने वो डर रहा है, मतलब वो चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं वो उसके साथ दोबारा ना हो जाए। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल दर्शाता है कि एट ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है मतलब जो आपका पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर जो भी है वो बहुत ही पावरफुल कहेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक कहेंगे, वो मतलब जो ठान लेता है वो करने में बिलीव रखता है। मतलब अगर उसने ठान लिया है कि उसे मतलब आप चाहिए तो उसे चाहिए। इन शॉर्ट मतलब ये जो पर्सन है बहुत करेजियस है, और इसे मतलब जो इसको करना है वो करना है। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स दर्शाता है कि जो आपका पर्सन है वो बहुत ही रिलैक्स्ड है आपके मिलने के बाद, और मतलब वो जो चाहता था वो फुलफिल हो चुका है, वो थोड़ा सा मतलब अब निश्चिंत है मतलब आपको लेके, क्योंकि जो वो चाहता था वो उसको मिल चुका है, इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। और दूसरा ये कार्ड आया है, द हीरो फ्रेंड दर्शाता है कि मतलब आपकी और आपके पर्सन मतलब जो भी आपका पर्सन है, इन फ्यूचर आप लोग जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और मतलब आपकी जो लाइफ है आप इसको एक साथ जी सकते हैं। इट्स अ बिग यस अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, तो हाँ एक पॉजिटिव वाइब है कि मतलब हाँ सब सही होगा। आगे जाके मतलब डाइवोर्स जैसा या फिर और कुछ सेपरेशन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। तो दूसरा कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये दर्शाता है जो आपका पर्सन है मतलब बहुत ही आपको लेकर मतलब ओवर थिंकिंग कर रहा है, मतलब ट्रैप्ड है थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग में कि मतलब आप छूट ना जाओ और आप निकल रहे हो हाथ से, या फिर वो आपको रोक नहीं पा रहा है, ट्रैप्ड फील कर रहा है, और मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आप जा सकते हो या आप जा रहे हो। वो किसी मतलब उसको लगता है ऐसा कोई और पर्सन भी है, थर्ड पर्सन, जबकि ऐसा नहीं है, बट वो इस चीज़ से डर रहा है आपको लेके, मतलब इनसिक्योर फील कर रहा है, वो आपको खोना नहीं चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल दर्शाता है कि जो मतलब आपका पर्सन है वो मतलब बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, मतलब कि डाउन टू अर्थ है, और ये साथ निभाने वाला या निभाने वाली हो सकती है। जो भी आपका पर्सन है ये आपका साथ निभाएगा शुरू से लेकर अंत तक, और ये बिल्कुल भी घमंड नहीं है इसमें, और ये
ये बिल्कुल कहते हैं ना सरल व्यक्ति, ये बहुत ही सरल व्यक्ति है और ये अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति है। जो भी इसकी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये पूरी करता है, निभाता है। और ये जो भी आपका पर्सन है, मे बी लड़का है या लड़की है, जो भी है, ये बहुत ही मैच्योर है और मतलब जो भी डिसीज़न लेता है ये मैच्योरिटी के साथ लेता है। जो केयरिंग भी है ये आपको लेके, अगर मतलब इन केस आप साथ में फ्यूचर मतलब आप लोग साथ में बढ़ते हैं, फ्यूचर साथ आते हैं फ्यूचर में, तो ये मतलब आपकी केयर भी करेंगे। और मतलब इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह की भी कमी नहीं है, इनके पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी है और जिसको कहते हैं धन संपदा, यानी कि सब कुछ है, हर चीज़ से इनकी मौज है। बाकी ये आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और ये बहुत ही आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ये बहुत ही बुद्धिमान भी हैं। जो ये कार्ड दर्शाता है, जो मतलब आपका पर्सन है, ये बहुत ही बुद्धिमान तो है ही और ये आत्मनिर्भर भी है। ये कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं ये। ये थी आप लोगों की रीड, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट ना करे तो आप दिल छोटा मत करिएगा, मैं दोबारा आपकी रीड लेकर आऊँगा, वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।